dear students in this module we are going to discuss the role of police in criminal justice system so police are basically responsible for enforcing laws and maintaining order in the society without police it would be impossible to have law and order in any society particularly when we talk about the modern societies so the police are प्राइमरी लॉ enforcement एजेंसी इन मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान सबसे पहले जो ऑर्गनाइजेशन uh, या जो एजेंसी हरकत में आती है किसी भी क्राइम के होने की सूरत में वो पुलिस होती है और पुलिस इस निज़ाम के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रल पिलर का, का काम करती है द रोल ऑफ पुलिस इंक्लूड्स इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम्स मेकिंग रेप एंड प्रोटेक्टिंग पब्लिक सेफ्टी तो ना सिर्फ पुलिस का काम जो है वो क्राइम को अप्रीहेंड करना है बल्कि उसको इन्वेस्टिगेट करना है उसको डिटेक्ट करना है और ये पता लगाना है कि असल मुजरिम कौन होता है इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो पुलिस का रोल है पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टिगेटिंग रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड देन प्रोटेक्टिंग द पब्लिक सेफ्टी इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट किसी भी पोटेंशियल थ्रेट की सूरत में जो है पुलिस को डिप्लॉय किया जाता है और सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जिसमें वो पोटेंशियल थ्रेट जो है वो पब्लिक थ्रेट बन सकता है ऐसी सिचुएशन में पुलिस अपना रोल प्ले करके तो अप्रीहेंड करती है कि उस क्राइम को रोका जा सके तो पुलिस हैव द सिग्निफिकेंट पावर एंड अथॉरिटी इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू यूज़ फोर्स एंड डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ देयर लिबर्टी जो क्रिमिनल्स होते हैं ये पोटेंशियल क्रिमिनल्स होते हैं पुलिस उनको अप्रहेंड करती है और अप्रह करने के साथ साथ उस क्राइम को रोकने में हेल्प करती है लेकिन इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी होता है जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं कि पुलिस अपने इख्तियारत का बाजुकात नाजायज़ इस्तेमाल भी करती है और ऐसे इंडिविजुल्स को भी अप्रहेंड करती है या उनको आ, इस जस्टिस सिस्टम के अंदर आ, इस तरह से इम्प्लिकेट करती है कि शायद उसमें जो बेकसूर लोग होते हैं वो भी पुलिस की वजह से इस सिस्टम के अंदर मजबूर हो जाते हैं और उनको कसूरवार ठहरा दिया जाता है तो पुलिस का रोल बहुत इंपॉटेंट होता है ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में अप्रीहेंशन ऑफ द पोटेंशियल कल्प्रिट्स के अंदर बल्कि ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने में भी उसका रोल बहुत अहम होता है ताकि जस्टिस सिस्टम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रस्ट करके रिलाई करके जो है वो एक आ, ऐसा जस्टिस इस्टेब्लिश कर सके जो कि लोगों के लिए भी काबिल कबूल हो सो पुलिस आर सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी एंड ओवर साइड टू इंश्योर दैट दे एक्ट विद इन द लॉ एंड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस Uh, जब हम राइट्स ऑफ द सिटीज़न्स की बात करते हैं तो ऑबियसली जो आपका uh, जो ह्यूमन राइट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फ्रीडम uh, या लिबर्टी है इंडिविजुअल फ्रीडम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये सारे राइट्स को जो है मद्देनजर रखा जाता है ख़ास तौर तो पर पुलिस को जो है ये भी देखना होता है कि अगर किसी ने कोई जुर्म कर भी लिया है तो इसके बावजूद जो उसके इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको सनब ना किया जाए और उसको उसके राइट्स के मुताबिक ट्रीट किया जाए तो इन पाकिस्तान द पुलिस आर ऑर्गेनाइज एट बोथ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल्स एंड देर आर अ रेंज ऑफ स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स तो एक तो रीजनल uh, लेवल के ऊपर हमारी पुलिस एजेंसीज मौजूद हैं फिर फेडरल लेवल के ऊपर मौजूद हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर मौजूद हैं सो दीज ऑल एजेंसीज़ आर कंट्रीब्यूटिंग for the restoration of peace in society.